सफाई हो चुकी है और गाइस हमने अपना मॉनिटर भी ऑन कर लिया। जैसे तो गाइस हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो गाइस गुड मॉर्निंग आप सबको। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 7 और गाइस हम उठ चुके हैं, ठीक है। अब गाइस फ्रेश फ्रेश भी होनी है, उसके बाद नाश्ता चाय पी रहे हैं और ये बिस्कुट भी खा दे सकते हो गाइस, ठीक है। चाय भी आ चुकी है हमारी। तो दोस्तों फाइनली हमने चाय चू पी लिया और बिस्कुट भी खा लिया, ठीक है। वही देख सकते हो सब्जी कट रही है, आलू गोभी बैगन मिक्स वेज बन रहा है सब्जी, आपको दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे आलू गोभी और बैगन भी कट रहे हैं, साथ में मिक्स वेज, वहाँ पे लहसुन पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जी बनेगी, हम उसको नाश्ता वास्ता करेंगे। और गाइस देख सकते हो हलवा मम्मी जी लाए थे गाइस प्रसाद मंदिर से, ठीक है। तो वही खाने जा रहे हैं अभी, उसके बाद खा के दुकान पर चलते हैं, ठीक है। दुकान की सफाई सफाई करते हैं और थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं, ठीक है। तो हलवा खा लेते हैं, ठीक है। अभी प्रसाद खा लीजिए, देख लीजिए प्रसाद हलवा का। जय श्री राम। अभी तैयार है जाने के लिए हमारे सफर में, ठीक है। तो चलते हैं अभी दुकान की ओर, उसके बाद दुकान के बारे में बताते हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं दुकान की ओर। तो दोस्तों फाइनली निकल चुके हैं दुकान की ओर हम। गाइस मम्मी जी ने दी हमको रोटी, जैसे तो गाइस रोटी ना गाय को देनी हमने, गाइस गाय को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। गाय को रोटी देख के सोच चलते हैं, ठीक है। दोस्तों फाइनली गाय तो मिल गई है, बस रोटी देनी बाकी है उनको, ठीक है। और एक गाय दोस्तों गाय मिल गई, उनको रोटी दे देते हैं। गाय जहाँ तार लगी हुई है, तार के अंदर गाय जाए वही उनको बुला लेते हैं, फिर उनको रोटी देते हैं, ठीक है। आया उठ नहीं रही है तो यार अंदर अंदर जाना पड़ेगा, तार टप लेते हैं और क्या, भागने का मौका मिल जाएगा मेरे को। पैंट फंस गई, वही पैंट फंस गई थी गाय माता। पन रोटी खा लीजिए, रोटी गाय रोटी तो खिला दी, दे सकते हो आप, और चलते दुकान की ओर। तो दोस्तों गाय माता को हमने रोटी खिला दी है और चलते दुकान की ओर। तो गाय ना गाय माता उठी नहीं रही, पता नहीं क्यों, हमने सोचा कि जाके ही खिला देते हैं, कहीं वहाँ पर जाके हमने खिला दिया और चलते हैं दुकान की ओर, ठीक है। और दुकान की सफाई सफाई करते हैं और वहाँ बैठते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही हमारी दुकान, दे सकते हो आप, और हमने इसे खोल दिया और अंदर घुस के सफाई सफाई करते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे चाबी भी मैंने कही हुई है। तो दोस्तों फाइनली दुकान के अंदर आ गया और दुकान खोल दी हमने, मगर गाइस सफाई के बारे में सफाई सफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करता हूँ, ठीक है। अगर एक नई चीज़ आई है दुकान में तो वो भी आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ है हमारी, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली सफाई हो चुकी है और गाइस हमने अपना मॉनिटर भी ऑन कर लिया, जैसे तो गाइस ऑन हो गया है। अगर इसमें बस गाइस में पासवर्ड भरना है और पासवर्ड गाइस किससे पता होगा, मुझे पता है, अपने भाई को पता है। तो गाइस मुझे पता है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं खोलूंगा उसके बाद। 1 2 3 4 और बता दी मैंने, और वो है ही नहीं यार, वो तो मजाक कर रहा था गाइस। पासवर्ड भर दिया और देखो मोहन भी हो गया, उसको गई इसको भी रिफ्रेश कर देता ना, रिफ्रेश कर दिया कितनी बार, 3-4 बार गाइस रिफ्रेश कर देते हैं इसको। क्योंकि आप कभी मॉनिटर ऑन करोगे ना, अपना सीपीयू या मॉनिटर कुछ भी ऑन करोगे तो गाइस आपको रिफ्रेश पहले करना चाहिए 3-4 बार लगातार, ठीक है। उससे गाइस जो डाटा पहले चल के बंद हुआ होता ना शट डाउन, वो पूरा रिफ्रेश हो जाता है, दोबारा से स्टार्ट होता है, ठीक है। वही कर रहे हैं दोबारा, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रेश हमने कर दिया कितनी बार, 3-4 बार रिफ्रेश कर दिया। और खोलते हैं अपना क्रोम ब्राउजर, यूट्यूब चलाते हैं गाइस। यूट्यूब पे कैसे लाएंगे, भक्ति गाने, आज क्या बार है, आज है गाइस शनिवार, जय शनिदेव महाराज की जय, हो सबके दुख दूर करें, ठीक है। तो शनिदेव महाराज की हम चलाते हैं वीडियो, यूट्यूब का मेरा ये यूट्यूब अपना आ गया, और हम चलाएंगे पानी पानी पा गया हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान चालीसा दिखाता हूँ। कोई ऐड बढ़ जाती है यार, क्या चक्कर है यार, ये तो ऐड ही आई जा रही है, देखो और गई चल रहा है, वो भी चल रहा है, लाइव चल रहा है, जैसे तो लाइव चल रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेनिफिट है उसका। तो गई वो प्रोडक्ट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, गई ये आप देख सकते हो, मैं इसको पहले निकालनी था अलग से, जैसे तो ये सब एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट का एक कवर है, तो आप कान लगाते ना वाइनस एयरपोर्ट जिससे गानों को सुनते हैं, गई वही है उसका कवर है। गाइस कवर का बेनिफिट ये होता है कि उसकी सेफ्टी करता है, उसके स्क्रैच पड़ने से बचाता है, उसको मट्टी उट्टी पड़ने से बचाता है। तो गाइस इसके बहुत ही बेनिफिट है, तो मैं अभी इसको ना उसको बाहर निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों यही हमारा एयरपोर्ट है, तो केस ऑफ 4 एयरपोर्ट, ठीक है। तो गाइस ये ना गाइस ग्रीन रंग में, तो और रंग में भी मिल जाते हैं, बट मैं इसको ना अभी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसे ओपन कर लिया, जैसे देख सकते हो गाइस ये यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं।
तो गाइज कुछ इस तरह का ये बोर्ड कवर है दोस्तों। तो गाइज ना रबड़ का ये कोई प्लास्टिक नहीं है गाइज, रबड़ है। और गाइज इसके अंदर देखो तो कितनी अच्छी क्वालिटी है। नीचे से ना इसका वो है चार्जिंग पॉइंट, जो आप यहाँ से इसको हटा के गाइज नीचे से चार्जिंग पॉइंट भी लगा सकते हो। और गाइज ये इसके इसमें दिया हुआ है एक ये हैंगर, जो गाइज इसको ना इसके अंदर अटैच करके साइड से, क्योंकि यहाँ पे ना लॉक बना हुआ है, तो गाइज इसके अंदर ना इसको अटैच करके इसको फिर आप कमर में जहाँ पे बेल्ट बांधते हैं गाइज बेल्ट वहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। और गाइज इसके अंदर एयरपोर्ट डाल के इसको आप ऐसे करके क्लोज कर सकते हो, जिससे आपके एयरपोर्ट में स्क्रैच भी नहीं आएंगे और धूल मिट्टी से भी बचेगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली घर पे आ गए हम। दोस्तों गाइज खाने में बन चुका है हमारा रोटी, आलू बैगन, आलू गोभी की सब्जी, और गाइज ये ना बेसन का बनाया गया जैसे। तो दोस्तों फाइनली दुकान से घर पे आ गए, ठीक है, और खाना खाना भी खा लिया। और जैसे तो भेजी पैकिंग कर रहे हैं तैयारी, देख सकते हो भेजी सामान बांधते हैं। तो गाइज बता दूँ आपको, भाभी जी जा रही हैं घर अपने हिमाचल, ठीक है, तो गाइज छठ पूजा मनाते हैं ना उनकी मम्मी, तो वहीं पर जा रही हैं। सामान सामान देख सकते बन चुका है, तो कुछ ही देर में निकलेंगे यहाँ पर भेजी हमारे बाकी सही। तो दोस्तों आज ना घर में मैं मम्मी और पापा के लिए रह जाएंगे, क्योंकि भैया जी और भाभी जी जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हिमाचल। गई भाभी जी के ना मम्मी पे जाती है हिमाचल में, और गई छठ पूजा मनाते हैं छठ पूजा, तो उनको वही उन्हीं इसी त्यौहार में जा रहे हैं। ठीक है, हम गई हम तो यहीं पर देखने घर के पास जब छठ पूजा वहीं पर देखने, ठीक है। दोस्तों चले ये भाभी जी, तो दोस्तों एक बार फिर दुकान पे हम आ चुके हैं दोबारा, क्योंकि गाइस भैया दिख गए हैं आपको पता, भैया जी हिमाचल गए हैं भाभी भाभी जी के साथ, तो गाइस दुकान आ जाकर हम ही संभालेंगे, ठीक है। तो गाइस फाइनली दुकान पे आ गए, खाना वाना खा गए, तो गाइस साढ़े रात की फिर 8 बजे की दुकान बंद करेंगे, ठीक है। तो गाइस बज रहे हैं 1:30, घर पर दुकान पर आ चुके हैं, तो यहाँ बैठते हैं 4 बजे तक, 4 बजे तो आ जाएंगे घर, नाश्ता खाना पीना खा के फिर दोबारा आ जाएंगे, ठीक है, फिर बंद करेंगे 8:30 बजे तक, ठीक है। तो फाइनली आ गए, बस कस्टमर के ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो जो कम वो करेंगे, ठीक है। तो गई शाम के 5:00 और गई हमारे फ्रेंड का फोन आया था अजय का कि घर पे कब आ रहे हो, मैं कहा गई घर पे आज आ नहीं पाऊँगा, आज रात में दुकान बंद करके आऊँगा, क्योंकि गई आज भैया जी हमें तो दुकान हम ही संभालना है, तो गई रात में 8:30 या 9 बजे तक दुकान बंद करें तभी घर जगह, तो भाई बीच में तो घर जा नहीं सकता, तो गई आज सारी जिम्मेदारी आपका भाई ने दिया संभाल रहा है, क्रेडिट कार्ड बॉक्स संभाल रहा है, ठीक है। तो गई बस सपोर्ट करते रहे भाई को। दोस्तों फाइनली रात में गई 8:30 हो चुके हैं, तो गई पापा जी भी यहीं भी आ गए हैं, तो गई पापा जी ना सामने सब्जी आ रहा है, तो गई सब्जी ले रहे हैं, उसके बाद मैं अभी दुकान बंद करने जा रहा हूँ, ये दुकान बंद के घर चलते हैं। तो गई दोस्तों रात के 8:30 और गई पापा जी भी आ गए, पापा जी ना सामने सब्जी वाला है, ठीक है, सामने सब्जी लेने गए हैं। और गई सिस्टम देख सकते क्या चल रहा है, गई जी फिल्म बहुत गई फिल्म बहुत अच्छी है, गई मज़ा आ गया देख के, सुनम तरीके से फिल्म का नाम है। तो दोस्तों फाइनली टाइम हो चुका है, तो गई जी 9:30 हो चुका है, गई दुकान से घर पे आ गए हम, ठीक है। इधर से तो गई प्रसाद सब्जी भी ले लिया और कुछ प्रसाद भी ले केले बोले, ठीक है। तो डैडी जी पीछे पीछे आ रहे हैं, हम पहले साइकिल लेके सामान लेके आ गए, ठीक है। तो हम चलते देखते हैं क्या खाना वाना बना, खाना जो बना खाएंगे पीएंगे उसका सुनेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं खाना क्या बना, ठीक है, घर में सुनते हैं। गई केले कुछ सब्जी सब्जी है, ठीक है, तो चावल है और गई जी ये दाल है और क्या चावल चावल के साथ, और ये जो पकौड़े बनाने के लिए मैंने बेसन का वो बनाया था। तो गाइज चावल दाल और पकौड़े मम्मी जी बनाए नहीं, पकौड़े गए जी बनाएंगे, गर्म खाने में मजा आता है पकौड़े इसीलिए, क्योंकि चावल दाल बनकर तैयार हो चुका है और गाइज पकौड़े के लिए मटेरियल तैयार हो सकते हो, गाइज देख सकते हो आप चावल बनाओ यहाँ पे और यहाँ पे दाल है इसमें, और गाइज देख सकते हो गाइज मम्मी ने पकौड़े बनाने के लिए गाइज बेसन का मटेरियल तैयार किया रखा हुआ है, और गाइज देख सकते हो पकौड़े बेसन के लिए, ये गाइज घी के पकौड़े हैं और इसके बैगन के, जो कि गाइज इसे बेसन के अंदर मिला के और इसको फ्राई किया जाएगा और उसके बाद खाएंगे हम, ठीक है। दोस्तों आपने देखा कि दाल चावल तैयार है और बस पकौड़े बनने बाकी है, तो गाइज गाइज बनाएंगे क्या पकौड़े, उसके बाद दाल चावल पकौड़े हम खाएंगे, गाइज बहुत ही मजा आ जाएगा। तो गाइज आज की ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, तो गाइज ब्लॉग का समय कमेंट कर बता देना और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग नवी फ्रेंड्स, बाय।